भरने के लिए आप इसे ऐसे करके ऐसे कीजिए। हेलो गाइस, कम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो मैं हो गया लल्लू लायन। चलिए आज का वीडियो में आप लोग के कुछ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि 10 साल पुराना आप लोग ऐतिहासिक। मैं आप लोग के बता देना चाहता हूँ कि अभी के समय में वो विलुप्त हो चुका है, इतिहास के पन्ना पे है सिर्फ, अभी तो बचा नहीं है। ये इस ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे दादा परदादा यूज करते थे, लेकिन हम लोग एक सोचे कि चलो विलुप्त होने से पहले एक वीडियो बना लेता हूँ, उसको लिए हम लोग कुछ खर्चा किए। जैसे कि हम देखिए पहुँच चुके हैं, आप लोग तो इसे देख के पता लगा ही सकते होंगे कि क्या है, समझ गए। ये हमारे पुराना पीढ़ी यानी दादा परदादा, इसे लाठा कुड़ी नाम है इसका, यूज किया जाता था, अभी के समय में विलुप्त हो गया है। इसके लिए देखिए हम लोग बनाए हैं, रखल था बहुत दिन से, इसको निकाल के बनाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग के बताते हैं कि यूज कैसे किया जाता था। आज कीजिएगा, अपना दादा परदादा से पूछिएगा कि 1966 के इमरजेंसी में क्या होता था, आदमी के पानी पीने से आदमी मर गया था कितना लोग। आइए यूज करते हैं। मैं अपने लाठा कुड़ी को, ये हो गया मेरा कुड़ी, ये जो देख रहे हैं आप पूरा, ये लाठा हो गया, इसका नाम है बरहा। अब बगल में पास में देखिए हम लोग कुआं में पहुंच चुके हैं, गांव में इसे इनार भी कहा जाता है। कुआं के ऊपर आ चुका हूं, अब इससे मैं पानी भरने जा रहा हूं। पानी भरने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के देसी वीडियो आएगा इस ब्लॉग्स पे। तो ये देखिए कुआं हो गया, ये गहराई बता देना चाहता हूँ कि इसमें अभी भी पानी है, कुछ इसके अंदर मछलियाँ भी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी भी पानी बच रहा है। बहुत कम जगह अवेलेबल है कुआं में पानी, अगर होगा तो। कुआं का ये देखिए परियठा है, इसके आदमी ऊपर चढ़ के भाई चलाया करता था, तो मुझे तो चढ़ने में काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन चलिए गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तैरने के लिए आता है। भाई कुआं के परियठा पे तो चढ़ने मुझे काफ़ी डर लग रहा है, जैसा कि ये डोल रहा है, लेकिन चलिए मैं आप लोग के पानी भर के दिखाता हूँ। इस पैर को यहाँ रख दिए हैं, इसे ऐसे देखिए डालता है, ये बरहा हो गया जो पकड़े हुए है, ये बांस का है, और देखिए वो जो देख रहे हैं आप, वो लेदा हो गया, उसका लेदा नाम है। कुआं के अंदर योर ले जा रहा हूँ, आवाज़ तो आप लोग सुन ही रहे होंगे कि कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है लाठा कुड़ी से। इसको देखिए पानी भरने के लिए आप इसे ऐसे करके ऐसे कीजिए। मैं पानी भर चुका हूँ, चलिए मैं कुआं के ऊपर से ऊपर ले आता हूँ, धीरे धीरे टान रहा हूँ रस्सी के, टानने में तो बहुत कम जोर लगता है, काहे कि वहाँ पे उसका वेट से खिंचा रहा है। देखिए आप लोग के देखिए मैं अच्छा से बता देता हूँ, देख रहे हैं ना, ये देखिए पानी हो गया है, देखिए पानी हो गया। तो भाई मैं आप लोग के बता देना चाहता हूँ कि गर्मी के समय में कुआं का पानी पीजिएगा तो सब चीज़ का पानी फेल हो जाता है। ऐसे हमारे दादा पर दादा ने गन्ना का खेती किया करते थे, और गन्ना मड़ुआ ये सब मिला के खाने से कितना अच्छा लगता था। आप लोग फ्रिज का पानी पीजिए और कुआं का पानी पीजिए, दोनों में कंपेरिजन करा के बताइएगा कि बेस्ट कौन सा पानी है। जैसा कि ये कुआं का पानी देख रहे हैं कि कितना स्वादिष्ट होता है गर्मी के समय में, ये तो फ्रिज का पानी काफ़ी फेल कर देगा, आरओ वाला बोतल भी। गाय जैसे कि यहाँ पर से आदमी भरा करते थे, यहाँ से पानी गिराया करते थे, यही पानी पटता था। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला कौन सा वीडियो आना चाहिए, क्या चीज़ पे। हम इसी तरह इस चैनल पे हर देसी वीडियो लाया करते हैं। अब मैं आप लोग से आखिरी में बता देना चाहता हूँ कि आज मौसम ही बहुत ही ख़राब था, पानी पर भी रहा था, छाता लेके हम लोग वीडियो बनाए हैं। अब मैं आप लोग के बता देना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो के अगर 1 लाख व्यू चल गया तो मैं इस कुआं में कूद के बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट वीडियो बताऊंगा इसमें लाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अब मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। आज के लिए जय हिंद जय भारत।